देखते रहिए एमआरजी मैकेनिक चैनल। प्यारे किसान भाइयों, आज आपके सामने एक ये ट्रैक्टर खड़ा है। इस ट्रैक्टर के अंदर एक छोटी सी जानकारी लेंगे, वो जानकारी किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी है। किसान भाई अगर घर पे काम करते हैं तो उनको जानकारी चाहिए, और वो जानकारी आज अपन इस ट्रैक्टर में लेंगे। जो घर पे काम करते वक्त किन बात का ध्यान रखें, वो काम तो करना शुरू कर देते हैं लेकिन हो सके उसमें नॉलेज ना हो तो पूरा काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जो लाल पट्टी है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। तो आज अपन बात करते हैं, ये जो एयर क्लीनर लगता है जिसके अंदर ये जाली लगी हुई है, इस जाली के ऊपर एक जाली और है और एक फिल्टर है। ये चीजें तो जिस तरह खोलोगे उस तरह वापस आप फिटिंग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इस कटोरी के अंदर जो ऑयल होता है उस ऑयल का लेवल क्या होना चाहिए, उसके बारे में कंपनी ने तो जानकारी दे रखी है। ये इस जगह ऑयल का लेवल लिख रखा है। ये अब पढ़े लिखे हो तो इस लेवल तक हो जाना चाहिए। अब माना कि किसान भाई अनपढ़ है और इसका नॉलेज नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उन किसान भाइयों के लिए इस वीडियो के अंदर एक देसी तरीका, अपे इवी देसी भाषा देसी जानकारी देसी तरीके हूं चले अपन तो चला लो चले जा, ठीक है ना। तो देसी तरीके से इसके अंदर ऑयल लेवल कितना होना चाहिए वो देखते हैं। ये देखिए आपके सामने कि जैसे ये ऑयल के लिए दो जगह होती है, एक ये जगह है बीच की और एक ये, इस बीच वाली कटोरी के अंदर या छोटे छोटे छेद होते हैं ये, तो ऑयल का लेवल इन छेदों के बराबर अंदर और बाहर दोनों में ऑयल होना चाहिए, इस बीच में भी होना चाहिए और यहां भी होना चाहिए, और ये दोनों के अंदर इस होलों के बराबर ऑयल होना चाहिए। आप करते हो कभी घर पे काम, राहुल जी? कभी नहीं करते हो? नहीं। ये मेरे बहुत पुराने कस्टमर हैं, करीब 15-20 साल हो गएंगे काम करते हुए कराते हुए, ठीक है ना। ये हमारे नजदीक एरिए से बिलोंग करते हैं, यहाँ 15-20 किलोमीटर साइड में इनका गांव है और ये परमानेंट मेरे ग्राहक है। तो दोस्तों, उसके बाद इस कटोरी को इस तरह आप इसमें फिटिंग कर लेना है। ये फिटिंग हो गई, ऑयल लेवल चेक हो गया और ये आपके सामने। ये जानकारी किसान भाइयों के लिए मेरे हिसाब से बहुत उपयोगी है। बाकी इसमें क्या होता है कि मैकेनिक के पास, ये मान लो जैसे मेरे पास आए हैं सर्विस करवाने, तो इसमें इसका सारा काम हो गया। लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे सूखी मिट्टी के अंदर अगर ट्रैक्टर चलता है तो उसमें क्या है कि इस एयर क्लीनर के अंदर कचरा जाके यहाँ मिट्टी जमने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो उस टाइम अपने को ट्रैक्टर की ऑयल चेंज सर्विस के बीच में इसकी सफाई करनी होती है। बीच में अगर सफाई करते हो तो आपको ऑयल लेवल चेक करना होता है। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, आप पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, अनपढ़ हो तो इस वीडियो को देख के कर लोगे वो भी अच्छी बात है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखते रहिए कंटिन्यू एमआरजी मैकेनिक चैनल। तो दोस्तों, एक छोटा सा चैनल है अपना भी, और सीधी बात एमआरजी मैकेनिक, उस चैनल तक जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मिल जाएंगे आपको, उस नंबर पे आप बात कीजिए और वो बात अपनी आपस की बात होगी और कोई जानकारी उपयोगी होगी तो उस जानकारी को और लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अगर आपकी जानकारी को शेयर करवाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी डिस्क्रिप्शन में नंबर उठाइए और बात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं और मिलते हैं कोई अच्छे से नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।